किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान YouTube चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे इस वीडियो की जानकारी है राजमा की खेती। आपने सुना होगा, आज तक आपने जो राजमा खाया है अपने घरों में, उसकी खेती कैसे होती है, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसकी खेती अपने क्षेत्र में भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये राजमा की खेती की जा रही है और इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जो हमारे किसान भाई, आप उन्हें एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सजल कश्यप जी, गांव औरंगाबाद, जिला हरिद्वार। अच्छा, उत्तराखंड में। जी जी। तो सर, ये आप किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? राजमा। राजमा की खेती जी। तो सर, जो हमारे किसान भाई है, सबसे पहले ये बताए कि राजमा की खेती कब कब की जाती, किस समय? अभी तो हमने इसकी जो बुआई का समय है, सही समय राजमे की खेती का, वो बताएं। 15 जनवरी से जी 1 फरवरी तक। 1 फरवरी तक इसकी बुआई कर सकते हैं राजमे की। और ये कितने दिन की फसल होते हैं राजमा की? लगभग 100 से 105 दिन। 100 से 105 दिन की राजमा की फसल होती है। तो सर बताएं कि राजमे की खेती कैसे की जाती है? राजमे की खेती बस अपना खेत को अच्छे से बरीक करके उसके बाद इसको टिलर से भी बो सकते हैं जी, या हल से भी बो सकते हैं, बैल वाला। अच्छा, इसकी बुआई हम हल से भी कर सकते हैं और टिलर से कैसे कर सकते हैं? मतलब सर, टिलर हम उसके पीछे जो पिछले खुरपे होते हैं उस पे टैन जी, उस पे हम कपड़ा बांध देते हैं जी, जो उसका कूट बढ़िया हो जाए जी। और उसके बाद जैसे कि लाइन से चमक रहा है, उसमें आपने लाइन से इसमें राजमा डाल दिया। तो सर, अगर राजमे की बुआई की बात करें तो कितने किलो प्रति बीघा इसका बीज डलता है? 6 से 8 तक। 6 से 8 किलो प्रति बीघा इसका बीज डाला जाता है। और जैसे कि आपने बताया इस समय इसकी बुआई की जाती है, तो जब अगर ज़मीन के चुनाव की बात करें तो कौन कौन सी भूमि में हम इसकी राजमे की बुआई कर सकते हैं और कौन कौन से क्षेत्र में? ये तो ऑल इंडिया भी हो सकता है। अच्छा, पूरे भारत में इसके राजमे की खेती की जा सकती है। तो वैरायटी कौन सी है राजमा की है सर? ये चित्रा पहाड़ी। चित्रा पहाड़ी। अच्छा, चित्रा पहाड़ी ये राजमे की वैरायटी है। तो सर, जैसे कि आपने राजमे की बुआई की, तो इसके लिए कैसी ज़मीन का चुनाव करना चाहिए? थोड़ी ढालदार होनी चाहिए। ढालदार इसके लिए ज़मीन, ताकि पानी इसमें भरने से गल भी जाता है इसका पौधा। अच्छा, अगर ज़्यादा पानी खेत में होगा तो पेड़ गल जाएगा। गल जाएगा। तो ढालदार ज़मीन होना ज़रूरी है इसके लिए। तो आप दिखाए राजमा आपका कैसा है यहाँ पर। ये तो किसान भाइयों देख सकते हैं, सर ने ये राजमा लगाया हुआ है जिसे चित्रा नाम से वैरायटी है, काफ़ी अच्छा राजमा है, देख सकते हैं। ये एक पेड़ पर सर कितनी फली आ जाती है इसकी? लगभग 25 से 30। 25 से 30 फली आ जाती है। तो जैसे कि ये पेड़ आपका लगभग 1 फीट का हो गया, एक पेड़ ये, तो एक पेड़ पे ये लगभग 25 से 30 फली आपकी आ जाती है। तो इसमें आपने जैसे बुआई कर दी, बुआई के कितने दिन बाद इसमें सिंचाई करनी पड़ती है, कितनी सिंचाई की इसको आवश्यकता होती है? लगभग बुआई के बाद 20 दिन बाद। 20 दिन बाद पहले सिंचाई, फिर उसके बाद फिर तब भी सूखे तभी पानी देना पड़ता है। अच्छा, तभी नमी जानी नहीं चाहिए खेत की। खेत की नमी नहीं जानी चाहिए। तो इसमें खरपतवार भी होते हैं? हाँ। तो उसके लिए क्या मतलब क्या करना पड़ता है आपको? बस यही है, इसकी निराई गुड़ाई अच्छे से करनी पड़ती है खुरपे से। अच्छा, कितनी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, किस कितने कितने दिन बाद? बस हर 15 दिन बाद। दो शुरू में जब तक ये हमारा खेत 60 दिन की हमारी फसल हो जाए तब तक इसकी हमें 2 निराई गुड़ाई करनी है। और खाद इसमें आप बुआई के समय डालते हैं और या बाद में डालते हैं? नुलाई के समय पहले नुलाई में यूरिया, फिर उसके बाद इसमें हम उससे पहले हम डाई डालते हैं बोने के टाइम। बुआई के कितने किलो प्रति बीघा के हिसाब से? एक एकड़ में एक कट्टा 50 किलो। 50 किलो एक एकड़ में यूरिया का, DAP का? यूरिया 45 किलो जी और डाई 50 किलो। 50 किलो डालते हैं। तो उसके बाद इसमें जो फली बननी शुरू हो जाती है, ये कितने दिन बाद बननी शुरू हो जाती है? ये लगभग फूल तो इस पर 1 महीने के बाद 30 दिन के बाद फूल चमकना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद इस पर 15 दिन के बाद फली अच्छे से चमक जाएगी। फली चमक जाएगी, फिर पकने में समय लगेगा थोड़ा। ये तो आपने बता दिया। अब रोग और कीट की बात करें तो इसमें रोग और कीट क्या क्या आते हैं? इसमें सुंडी आती है बस, कोई रोग कीट नहीं है इसके अंदर? नहीं, और कुछ नहीं है। सुंडी के लिए आप क्या करते हैं इसमें? सुंडी के लिए कैरोजन मार दिया, जैसे वो लैक्स मार दिया, कोई और कीटनाशक तो हमें इस्तेमाल करते हैं। तो जरा आप हमें कुछ फलियां दिखाएं जिसमें राजमा आ रहा है, कैसा ये राजमा होता है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं, सर का जो राजमा है काफ़ी अच्छा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये देखिए आप। और ये राजमा के पूरे खेत में, ये पूरा एक एकड़ खेत है जिसमें राजमा की खेती की जा रही है। और राजमा के अगर पेड़ की बात करें तो ये 1 फीट तक का होता है। फली इसमें एक पेड़ में 25 से 30 फली बनती है। इन फलियों के अंदर 3 से 4 राजमे की, 5 तक ही यहाँ पर ये राजमे के दाने बन जाते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये राजमा किस तरीके का होता है, ये लाल राजमा होता है, काफ़ी अच्छा राजमा होता है।
तो ये देखिए आप यहाँ पर छह थे, एक मर गया। अच्छा छह थे यहाँ पर, ये तो सुंडी का ही इसमें रोग है और किसी चीज का रोग नहीं आता इसमें नहीं। तो ये भी आप निकालिए। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाल राजमा काफी सुंदर राजमा है। और अगर सर इसकी रेट की बात करें, जैसे कि आप ये राजमे की खेती कर रहे हैं, तो इसका रेट कितने रुपए प्रति किलो तक मिलता है आपको? कम से कम 100, उसके ऊपर 130 तक। अच्छा 130 रुपए किलो तक आपका बिक जाता है? थोक का रेट है इसका। थोक का रेट है ये। और अगर सिंगल कोई 5 किलो 10 किलो लेना चाहे तो उसको ये वही मिलेगा फिर तो 120-125। अच्छा इस वाले राजमे में खास बात क्या है जो ये जो दुकान पे जो हमारा राजमा आता है उससे इतना ज़्यादा महंगा है, इसकी कोई खासियत? उससे अच्छी वैरायटी है, खाने में अच्छा लगता है। खाने में अच्छा लगता है ये? बहुत अच्छा है, तभी तो महंगा। अच्छा तभी इसलिए महंगा है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं सर ने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप राजमे की खेती के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या इसके बीज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाएं और टच करके हमें फॉलो करें और मैसेज के माध्यम से राजमे की खेती की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जल्दी इसी प्रकार की एक नई वीडियो नई जानकारी मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।